हमको बता दीजिए जो पूरा किया हो, एक वादा, एक भी वादा पूरा अगर कर दिया हो तो हम स्वीकार कर लेंगे, हम मान लेंगे कि अच्छा दिन आ गया है, एक भी वादा अगर पूरा हो गया हो तो। और मैं बस आपको याद दिला देता हूं, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी, थी कि नहीं थी? सबके खाते में 15 लाख रुपया देने की बात थी, सब किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात थी, सबको पक्का मकान देने की बात थी, एक भी चीज हुआ है? हो क्या रहा है? दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लोग मांग रहे थे सरकारी नौकरी, इन्होंने नया प्रबंध कर दिया कि ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, और जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं वहां पर सबको अग्निवीर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गडकरी जी सबसे ताजा ताजा अग्निवीर बने हैं, नहीं अभी बहुत लोगों को बनना है, इससे पहले आडवाणी जी बन गए, उसके बाद रविशंकर प्रसाद बन गए, अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। दो ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे, और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में, और चाचा फिर मंच पे जा करके भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। अमित शाह जब बोलता है कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, तो मेरे मन में आता है कि जय शाह को वो रेलवे प्लेटफॉर्म से उठा करके लाया है, उसी का बेटा है ना, कोई शक है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का ना, तो बीसीसीआई सेक्रेटरी परीक्षा दे करके बना है, कंपटीशन दिया था क्या, एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी लिखा था, कैसे बन गया? वो परिवारवाद नहीं है बेईमानी, नकली चाणक्य। हम बिहार से हैं, असली चाणक्य वहां पैदा हुए थे, देखे बिहार में क्या हुआ, देखे महाराष्ट्र का बदला नितिन साहब हम लोग एकदम भिजा के ले लिए हैं। चाणक्य वो परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर यूपीएससी किया था, उसका बाप नेता नहीं है? और ये जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, उसका बाप नेता नहीं था? अब पीयूष गोयल, उसका बाप नेता नहीं था? बेईमानी। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए नहीं है? तो भाजपा का परिवारवाद परिवारवाद नहीं है, और कांग्रेस के दो दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान दे दी तो आप हमको परिवारवादी बोल रहे हैं? दो प्रधानमंत्री ने अपनी जान गवाई है इस देश के लिए, उसको आप परिवारवाद बोल रहे हैं? और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, यह परिवारवाद नहीं है, यह बेईमानी है। मैं कांग्रेस